we're about to start the play, which is the story of Ramayana. I'm sure everybody knows it, but this is going to be lots of fun. One request, I just need this alley cleared because lots of big characters are going to come and go from here. Is everybody ready? Yeah! That's not loud enough. Yeah! Thank you. Namaskar. नमस्कार आप सभी का यहाँ आज इस मंच पर स्वागत है। किस किस को रामायण की कहानी पता है? बहुत लोगों को पता है। वेरी नाइस। हम एक संस्था से आए हैं जिसका नाम है कुटुंब फाउंडेशन। हम आपसे भी छोटे बच्चों के साथ और आपसे बहुत बड़े बच्चों के साथ, जो कि बच्चे नहीं कहलाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तरह तरह के काम करते हैं, नाटक करते हैं, खेलते हैं, गाने गाते हैं। आज आप लोगों के लिए हमने एक नाटक तैयार किया है और उस नाटक का नाम है एक छोटी सी रामलीला। स्टेज पर आपके सामने बहुत कुछ होने वाला है, ध्यान से देखना। राक्षस आएंगे, बड़ी बड़ी पंछियां आएंगी और खुद राम जी पधारेंगे हमारे बीच। तो ध्यान से देखना और खूब उनका साथ देना, ठीक है? ठीक है ना? जरा जोर से बोलने की, हाँ। एक थे राम, एक थे राम, एक थे रावन्ना, एक थे छत्री, एक थे ब्राह्मणना, एक थे राम, एक थे रावन्ना, एक थे छत्री, एक थे ब्राह्मणना। उनने उनकी सियाहरी, उनने उनकी मौत करी। है छोटी सी काथरना, तुलसी लिख गए खन्ना। इस छोटी सी काथन्ना का रूप है रंग रंगीला। आओ देखें मिलकर हम तुम एक छोटी सी रामलीला। भैया मारुति, ओहो कहाँ जा रहे हो? कंभावन बाग आम तोड़ने फिर से? अरे दादाजी जाने दीजिए ना, सारे बंदर वहीं तो गए हैं। तो इसलिए तुम ही जाओगे? हमारे जमाने में हम लंका दहन कराए और हमारे बच्चे चले हैं बगीचे में तोड़ फोड़ कर। अच्छा सुनो, हम तुम्हें श्री राम की कहानी सुनाते हैं। सुनोगे? सुनाइए, मगर शॉर्ट में। हाँ शॉर्ट में है, यानी कि सब एक्शन धिशुम धिशुम वाले सीन चाहिए तुम। अच्छा चलो कोशिश करते हैं, सुनो। देशों में
बच्चे बढ़ने लगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने उन्हें शिक्षा दी। फिर एक दिन राम जब 16 साल के हुए तब महर्षि विश्वामित्र चारों भाइयों को ले गए मिथिला के राजा जनक की सभा में। तब राजा दशरथ ने सोचा क्यों ना अब राम को राजा बनाए। पर कुटिल मंत्रा ने बहकाई भरत माता के कई ने सुनाई जान बचाए वरदान दिए जो तो राज्य है ये यार राम को 14 वर्ष वनवास। दादाजी फिर क्या हुआ? तुम कर दशरथ होश गवाए रामनट मज तक मन को तुम्हारी संग लक्ष्मण मिथिलेश तुम्हारी अवध के सब नर नारी अवध के सब नर नारी। दादाजी ये तो साइड सीन हो गया। आगे फिर चलते चलते तीनों पहुंचे पंचवटी। यही तो है वो जगह जहां शूर्पनखा ने राम लक्ष्मण को देखा। शूर्पनखा रावण की बहन बहुत भयानक रही होगी। अरे नहीं, उन लोगों को रूप बदलना आता था। वक्त आने पर शूर्पनखा एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर सकती थी। अच्छा कैसे? अच्छा दिखाते हैं। क्यों भाई शूर्पनखा तैयार हो क्या? चलो चलो हम पीछे से देखते हैं। कैसे पंचवटी की कुटिया में सीता माता अपना आंगन समेट रही और राम और लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्र की सफाई कर रहे थे जब वहां पर आई शूर्पनखा। अरे वाह, ये कितने सुंदर लोग हैं। मुझे तो वो सांवला वाला पसंद है। हाँ, अपना सुंदर रूप चढ़ाकर जाती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी यही है मेरे साथ। आप लक्ष्मण से क्यों नहीं पूछती? भाभी
जब बात पहुंची लंका के राजा रावण के पास, क्या मेरी बहन का अपमान, ये अपमान तुम्हें भारी पड़ेगा राम। अरे दादाजी देखिए तो जरा, वो क्या है, वो सोने का हिरण। अरे कितना सुंदर है ये, देखिए राम कितना सुंदर है ना ये हिरण, आप मुझे ये सोने का हिरण ला दीजिए ना राम। पर उसका तुम क्या करोगी सीता? मैं उसे पालूंगी, ला दीजिए ना राम। ओके ना सीता, लक्ष्मण यही रहना तुम्हारी भाभी के पास, मैं तुम्हारी भाभी के लिए हिरण पकड़ के लाता हूँ। रुकने के लिए कहा था, आपकी देखभाल करने के लिए। लक्ष्मण जाओ, ये तुम्हारी भाभी का आदेश है, कहीं कहीं उन पे कोई मुसीबत ना आन पड़ी हो। ठीक है भाभी, पर ये मैं जमीन पर लकीर खींच देता हूँ, ये आपकी रक्षा करेगी, पर इसे आप पार मत कीजिएगा। बाबा आप यहाँ अंदर आए तो मैं आपको भिक्षा दे पाऊँ। माते हम साधु हैं, महल के घर नहीं जाते, तो बाहर आके खाना दे। जी बाबा जी।
हनुमान अपनी वानर सेना की मदद से पता करो कि सीता कहाँ होगी, और ये लो मेरी अंगूठी, सीता मिले तो उसे देना, वो तुम्हें पहचान लेगी। जो आ गया प्रभु। लौटते